मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से संकट गहरा सकता है। प्रदेश में 1000 पंप सूखने की स्थिति में है। आगरा मुंबई रोड और दूसरे हाईवे पर मौजूद आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर डीजल खत्म हो गया है। जिन पंपों पर ईंधन बचा है वहां सिर्फ 2 से 3 दिन का ही स्टॉक है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि इंडियन ऑयल तो सप्लाई ठीक से कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम ने सप्लाई कम कर दी है। भौरी स्थित डिपो पर टाइमिंग भी 2 घंटा घटा दी है। ऐसे में डीलर्स को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है। वहीं प्रदेश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई करीब 40% तक घटा दी है। इससे पंप ड्राई हो रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में एक दिन में ही 10 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में हर रोज 2.77 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती है, लेकिन कंपनियां करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन कम दे रही हैं। प्रदेश में भोपाल के भौरी समेत इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कंपनियों के तेल डिपो हैं, जहां से प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।